बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलेगी यार यहाँ पर। अगर आज की डेट में कई सारे बच्चे आप लोगों ने देखा होगा या खुद भी आप लोगों ने कई बार फील किया होगा कि जिस तरीके से जिंदगी को आप लोग जीते हो उसमें कई सारी दिक्कतें देखने को मिलती हैं, पर लेकिन कई बार आप लोग ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं कि हो सकता है कि वो किसी को दुख भरे लगे, हो सकता है कि वो किसी को ऐसा लगे कि हाँ यार दिल को ठेस पहुंचा सकते हैं, पर लेकिन ऐसे डिसीजन जो है वो जरूरी है। अगर जिस तरीके से आप लोग देखे माँ बाप है, बच्चे बोले कि हाँ हमको पढ़ना है बाहर जाकर, ठीक है, तो माँ बाप के लिए भी आसान नहीं होता, बच्चों के लिए भी आसान नहीं होता है, पर लेकिन डिसीजन लेना पड़ता है ना कि हाँ बाहर जाकर पढ़ना है, तो तभी जिंदगी अच्छे से बना पाएंगे। कई बार आप लोगों ने देखा होगा अगर लड़कियों के बारे में बात करें तो खासकर जैसे लड़का है तो वो उसको तो कहीं पर भी भेज देंगे पढ़ने के लिए, जॉब करने के लिए, पर लड़की को नॉर्मली क्या करता है कि उसी एरिया में समेट कर रखते हैं, ठीक है, भले ही लड़की के अंदर कितनी भी कैपेबिलिटी क्यों ना हो तो वो दिक्कतें देखने को मिलेगी, पर लेकिन उस टाइम पर थोड़ा सा अगर इंसान टफ होकर डिसीजन ले ले कि हाँ नहीं ठीक है लड़की हो चाहे लड़का हो उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, तो आप लोग कई सारी चीजें जो है वो आसान होती हुई नजर आएगी, उसकी भी एक तरीके से एस्पायरेशन जो है वो पूरी होती हुई नजर आएंगी। तो इसलिए कई बार आप लोगों को सीखने के लिए थोड़ा सा टफ होना पड़ता है और फिर कंटिन्यूअस उसको लंबे समय तक करने के लिए काम को आप लोगों को नरम एक तरीके से नहीं नरम भी होना पड़ता है और टफ भी होना पड़ता है। तो कुछ बातें ऐसी बताई जा रही है कि सीमेंट से भी एक सीख ली जा सकती है कि जोड़ने के लिए नरम होना पड़ता है। जब सीमेंट से कोई दीवार बनाई जाती है तो काफी नरम रहता है, पर लेकिन अगर वो दीवार कॉन्टिन्यूसली जोड़े रखनी है तो फिर उसको सख्त होना पड़ता है। तो इसलिए यहां पर सख्त होना और नरम होना दोनों लाइफ का पार्ट होना चाहिए, पर पता होना चाहिए कहां सख्त होना है कहां नरम होना है। अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है लाइफ में अगर कुछ करना चाहता है तो देखिए उसके लिए नरम रहना चाहिए, पर लेकिन अगर गलत काम कर रहा है कोई तो उसके लिए सख्त रहना चाहिए। तो इस तरीके से होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्टिव इंसान को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, और अगर लग रहा है कि गलत काम करेगा ये इंसान सही इंसान नहीं है तो उसके लिए थोड़ा सा टाइट होना चाहिए। जिंदगी में आप लोग ये अपने ऊपर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोग क्या करिए अपनी आदतों के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप लोग नॉर्मली दूसरे के इंसान के लिए तो सख्त हो जाते हैं, पर लेकिन आप लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप लोग अपना पैटर्न फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप लोगों ने जो डिसाइड किया है वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग सोचते हैं छोड़ो यार कोई नहीं हो गया चलो बाद में देख लेंगे। अपने लिए भी रवैया जो है ऐसा ही रखिए जिस तरीके से आप लोग दूसरे को चाहते हैं कि वो आपको देखे, यानी कि एक तरीके से आप लोग अगर चाहते हैं ना कि आप लोगों को दूसरा पर्सन देखे कि हाँ यार कितना डिसिप्लिन इंसान है, कितने अच्छे सारे काम करता है, पर लेकिन अकेले में जब रहते हो आप लोग कुछ भी ऐसा काम नहीं करते जिसमें डिसिप्लिन दिखते हो, तो अपने लिए ऐसा रवैया रखिए, अपने लिए भी थोड़े से टाइट रहिए, वरना आप लोगों का मन करेगा मोबाइल उठा लिया मोबाइल में लग जाओगे, आप लोगों का मन करा घूमने जाना आप लोग घूमने निकल जाओगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अपने आप को भी आप लोगों को थोड़ा सा सख्त जरूर रखना पड़ेगा। तो ये बातें यहां पर बताने की कोशिश की गई है, आई होप की चीजें आप लोग समझोगे। देखिए प्रैक्टिकल चीजें रहती हैं, लाइफ में जितने अच्छे से इंप्लीमेंट करोगे उतना ही ज्यादा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा।